हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग? बहुत बहुत स्वागत है आपका कोयना किचन में। आज मैं फिर आपके सामने हाजिर हूँ नई रेसिपी के साथ। तो चलिए देखते हैं आज की रेसिपी। फ्रेंड्स, कोयना किचन में आज हम बनाएंगे दाल मखनी। लगभग हर किसी की फेवरेट होती है दाल मखनी, और इसके बिना हमारा लंच हो या डिनर हो वो कंप्लीट नहीं होता बिना दाल के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फटाफट। तो सबसे पहले हम दाल को करेंगे बॉयल। यहाँ मैंने लिया है कुकर। कुकर में मैं दाल को अच्छे से दो चार बार धो के फिर हम इसे डालेंगे। इसमें मैंने एक मुट्ठी ली है राजमा की। आप चाहो तो उसे डाल सकते हो, अगर चने की दाल डालना चाहो उसकी जगह तो वो भी डाल सकते हो। ये मैंने एक छोटी कटोरी नाप के वो दाल ली है और उसमें एक मुट्ठी डाले हैं राजमा। तो इसे अच्छे से वॉश करके और फिर इसमें साफ पानी डालकर हम इसे बॉईल करना रखेंगे। तो यह मैंने पानी डाला है, पानी इतना डालिए आप कि दाल आपकी पूरी कवर अप हो जाए। अब इसमें डाल लेते हैं नमक। एक चम्मच नमक डाल रही हूँ मैं, और डालूँगी आधा चम्मच हल्दी पाउडर। इसके साथ ही दोस्तों हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल। इसके साथ ही फ्रेंड्स हम डालेंगे इसमें दो चम्मच सरसों का तेल। सरसों का तेल डालने से दाल का टेस्ट बहुत अच्छा आता है और उड़द की दाल बहुत अच्छे से गल जाती है, बहुत अच्छे से पकती है। तो जब भी आप उड़द की दाल बनाओ तो उसमें मस्टर्ड ऑयल बॉयल करते समय थोड़ा सा ज़रूर डालिए। ये आपको बहुत ही अच्छा टिप दे रही हूँ मैं, इससे उड़द की दाल बहुत अच्छी बनती है। अब हम इसे बॉईल करेंगे। मैंने गैस के ऊपर चढ़ा दिया है कुकर, तो इसको मैं पहले एक सीटी आने तक पकाऊंगी और उसके बाद 10 मिनट के लिए सेम गैस पर हम इसे पकने देंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, अब तड़के की तैयारी करते हैं। मैंने लिया है एक पैन, उसमें लिया है मस्टर्ड ऑयल। जब तक कुकर का प्रेशर रिलीज होता है तब तक हम तड़के को तैयार कर लेते हैं। तेल हमारा लगभग गर्म हो रहा है। ये इसका कलर देखिए चेंज हो गया हल्का सा, ये निशानी है कि तेल गर्म हो गया अच्छे से। अब हम इसमें डालेंगे हींग। हींग के बाद हम डालेंगे कटा हुआ प्याज। ये मैंने दो कटे हुए प्याज लिए हैं। अब प्याज को हमें अच्छे से भूनना है। तो हम इसे थोड़ी थोड़ी देर में चलाते हुए अच्छे से भून लेंगे। देखिए प्याज का रंग गुलाबी सा हो गया है और थोड़ा सॉफ्ट भी हो जाता है प्याज। अब इसी तरह इसे चलाते हुए थोड़ा सा और भूनेंगे कि गुलाबी से इसका थोड़ा सा और गहरा रंग आ जाए। तो प्याज जो है वो अच्छे से भूनिए आप। दाल का टेस्ट बहुत अच्छा आता है जब मसाला अच्छे से भुना हुआ हो। ये देखिए कितना अच्छा इसका कलर आ रहा है, थोड़ा थोड़ा गोल्डन होने लग गया है अनियन। इसी तरह से हमें सुनहरा होने तक इसे भूनना है। ये देखिए बस इसी तरह आप चलाते जाइए और उसे थोड़ा गोल्डन होने तक भून लीजिए। काफ़ी अच्छा कलर आ गया है प्याज का भी, काफ़ी अच्छे से इसमें भुन चुका है अनियन। ये देखिए मैं आपको बिल्कुल पास से दिखा रही हूँ। इसी तरह से हमें इसे गोल्डन होने तक भूनना है। अब हम इसमें ऐड करेंगे
अदरक लहसुन का पेस्ट और इसे भी यहाँ मैं 2 चम्मच यूज़ कर रही हूँ और इसे भी हम थोड़ा सा भून लेंगे। हार्डली 1 या 2 मिनट हमें लो मीडियम फ्लेम पर इसे भी बहुत अच्छे से भून लेना है ताकि कच्ची स्मेल उसकी ना आए, वो अच्छे से भून जाए हमारा। अब हम इसमें ऐड करेंगे टमाटो प्यूरी। टमाटर मैंने लिए हैं 2 और उनको अच्छे से मैंने मिक्सर जार में ग्राइंड कर लिया है और उसे हम ऐड करेंगे और इसमें ऐड करके हम अच्छे से टमाटर को भी पका लेंगे। टमाटर हमारे बहुत अच्छे से भून जाएँ, अच्छे से पक जाएँ, उसके लिए मैं डालूँगी नमक। 1/2 चम्मच नमक डाल रही हूँ। नमक डालते समय थोड़ा सा ध्यान रखिए कि आपने दाल को बॉईल करते हुए भी डाला है तो उसी अकॉर्डिंग आप डालिए ताकि नमक जो है बिल्कुल परफेक्ट हो, आपका तेज ना हो जाए नमक। अब हम इसे बहुत अच्छे से मसाले को भून लेंगे। आप दोस्तों कोई भी सब्ज़ी बनाते हो तो उसमें ये स्पेशल ध्यान रखिए कि आपको सब्ज़ी का जो मसाला है उसको थोड़ा सा समय दीजिए, वो अच्छे से भुन जाए। जितना अच्छे से आपका मसाला भुनेगा उतनी ही टेस्टी आपकी सब्ज़ी हो, दाल हो या कोई करी हो, उतनी ही टेस्टी बनेगी। तो उसमें के लिए थोड़ा सा समय लगाइए ताकि मसाला जो है वो बहुत अच्छे से भुन जाए। ये देखिए कितने अच्छे से मसाला हमारा भूनकर रेडी है, ये बिल्कुल अच्छे से भुन चुका है। अब हम इसमें डालेंगे मसाले। यहाँ मैं 1 चम्मच डाल रही हूँ लाल मिर्ची, 2 चम्मच डालूँगी धनिया पाउडर और इसको अच्छे से हम चलाते हुए थोड़ा सा भून लेंगे। लीजिए मसाला बिल्कुल रेडी है हमारा। इसे हमने जो अभी धनिया पाउडर, लाल मिर्ची पाउडर डाले हैं इनको भी 1-2 मिनट के लिए इसी तरह से चलाकर इसे भी भून लीजिए। मैं इसमें डालूँगी थोड़ा सा पानी ताकि बहुत अच्छे से ये पक जाए, अच्छे से मसाला पूरा। जितने भी ड्राई मसाले हमने ये डाले हैं ये भी इसमें बहुत अच्छे से मिक्सअप हो जाए। अब हम इसमें डाल लेंगे थोड़ा सा कटा हुआ बारीक धनिया, हरा धनिया, खुशबू बहुत अच्छी आती है हरा धनिया की। तो हम थोड़ा सा इसमें जब मसाला भून रही हूँ उसी में थोड़ा सा डालूंगी, थोड़ा हम डालेंगे बाद में गार्निश करने के लिए। अब हम इसमें ऐड करेंगे दाल को, जो दाल हमने बॉईल करी है। अभी चेक कर लेते हैं कुकर को भी, ये देखिए दाल बहुत अच्छे से पक गई है हमारी। अब हम इसमें इसे ऐड करेंगे जो हमने मसाला भुना हुआ उसमें। आप इसी टिप से दाल को बनाएंगे तो आप बार बार इसी तरीके से दाल मखनी को घर पर ट्राई करोगे क्योंकि बहुत ही अमेजिंग टेस्ट आता है ऐसे दाल का। अब हम इसे मसालों के साथ थोड़ी देर के लिए पकाएंगे। देखिए कितनी अच्छी लग रही है दाल हमारी। इसे थोड़ी देर के लिए हम इसी तरह से पकाएंगे और अभी इसका फाइनल वाला
तड़का वो हम लगाएंगे ऊपर से। तो मैं इसको थोड़ी देर पका लेती हूँ। ये मुझे थोड़ी सी गाढ़ी लग रही है, मैं इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर रही हूँ। आपको जैसी दाल पसंद हो, अगर आप गाढ़ी पसंद करते हो तो इसमें पानी मत लगाइए, अगर आप थोड़ी पतली पसंद करते हो तो अपने अकॉर्डिंग पानी लगा सकते हो। अब हम इसमें डालेंगे गरम मसाला, आधा चम्मच गरम मसाला। इसे मिक्स कर लेंगे और इसे थोड़ी देर इसी तरह से पकने देंगे। अभी हम इसके तैयारी कर लेते हैं फाइनल तड़के की। दाल मखनी बनानी है हमें तो बटर तो ज़रूर चाहिए ही। यहाँ हम लगाएंगे ये तड़का बटर में। मैंने डाल लिया है इसमें 2 चम्मच बटर। बटर को थोड़ा ही गर्म करना है हमें, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना है, बस हल्का सा मेल्ट करेंगे हम बटर को। जैसे ही आपका बटर मेल्ट हो जाए, एक फ्लेम को कर दो आप बिल्कुल स्लो। ये देखिए बटर मेल्ट हो गया है। यहाँ डाल रही हूँ मैं लाल मिर्ची पाउडर और डालेंगे इसमें 1 पिंच हींग का और इसको मिक्स करेंगे अच्छे से। लीजिए ये बटर, हम मिक्सचर को, बटर वाले मिक्सचर को डालेंगे दाल के ऊपर। खूब अच्छा खुशबू देता है बटर जब हम बटर से तड़का लगाते हैं। लीजिए कितना अच्छा रंग आया है दाल का। कितनी अच्छी लग रही है दाल। ये हमारी दाल बिल्कुल रेडी है। अब हम करेंगे इसे सर्व। तो सर्व करने से पहले मैं इसको गार्निश कर लेती हूँ हरे धनिए से। अब इसको एक बॉल में निकालती हूँ। दोस्तों अब हम इसमें ऐड करेंगे क्रीम। ये फ्रेश क्रीम है, फ्रेश क्रीम को हम सर्व करने से पहले दाल के ऊपर इस तरह से आप सजा दीजिए। और थोड़ा सा डालेंगे इसमें हरा धनिया गार्निश करने के लिए। लीजिए आपकी दाल मखनी बिल्कुल रेडी है। आप इसे चपाती, पराठा, नान, चावल जिसके साथ भी आपको पसंद हो, ये खाने में बहुत टेस्टी लगती है। आप किसी भी चीज़ के साथ इसको एंजॉय कर सकते हैं, बहुत ही अमेजिंग टेस्ट आता है। तो आप इसे ज़रूर ट्राई करिए अपने घर पर और खूब सारे कॉम्प्लीमेंट लीजिए कि दाल, और मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको दाल ये कैसी लगी। तो लीजिए फ्रेंड्स आज की रेसिपी इतनी ही, फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से मेरे चैनल को देखते रहिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिए ताकि आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद।